जब हमने कोर्ट मैरिज किए थे, लव मैरिज किए थे, तो हमको सरकार की तरफ से जितना पैसा मिला है वो कितना है हम आपको बताते हैं। सेकेंड बेबी कब करेंगे हम लोग, वो डेट आपको हम बता देते हैं। अनीसा है जो कि है पाकिस्तान से। तो 10,000 लोगों से विनती है कि प्लीज। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? हम अच्छे हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो में। ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स मैं खा चुकी हूँ और अब थोड़ा देर आराम करूँगी ना, उसके बाद ही फिर खाना खाऊंगी। यहाँ पे सुहाना खाना खा रहे हैं। गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसको घर में रख देते हैं क्या? हाँ। सारा दिन जिनको जिनको जो जो मन करे वो खाना है, ठीक है, इसलिए हम किचन में रख देते हैं। आज सुबह सुबह मैं और सुहाना दूध लाने गए थे, तो आप लोग वो वाला वीडियो देखे, फिर मिलते हैं। कि मेरे पापा नहा के जल चढ़ा रहे हैं ना पापा? हाँ बेटा, नहा के आप जल चढ़ा रहे हैं। चलो छत पर चलो। ठीक है, देखिए अब मेरे पापा जल चढ़ा रहे हैं। जय हो सूर्य देवता, स्वागत है आपका इस पृथ्वी वासियों पे। मेरे पापा साइकिल निकाल रहे थे। चलते चलते हम पहुंच गए दूध डेरी पर। आज इस वाले दूध डेरी से लेंगे दूध। सुहाना उतरो, सुहाना उतरो, ये उतरो, 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 जाओ आधा लीटर दूध लेके आओ, ठीक है? हाँ, पैसे चाहिए तो। सुहाना गई है दूध लाने के लिए, बहुत भीड़ है आज दूध डेरी पे। ले आए, रख दो डोलची में। हाँ बैठ जाओ पीछे, बैठ गई सुहाना। अरे बाप रे, मुझे भी गिरा अना क्यों बैठे है? सुहाना ऐसे बैठी पीछे से कि मुझे भी पीछे ही तान ली, तभी हम गिर सकते थे साइकिल पे से, लेकिन बच गए ना सुहाना। हाँ। कहाँ हो, दिखी नहीं रही हो, कहाँ हो? मजा आ रहा है साइकिल पे? हाँ। चलो घर चलते हैं ना। हाँ। साइकिल को देंगे तेज रफ्तार, फिर बढ़ाएंगे साइकिल को तेजी से। घर पहुंच गए सुहाना, घर पहुंच गए। पापा साइकिल ला रहे। हेलो लीजिए आपका दूध, लगाओ साइकिल लाइन में। लाइन में? हाँ चलो चलो, टाइस का लाइन ये रहा बसंती। घर वापस आए और यहाँ पर देखिए करी, दही करी और ये लौकी की सब्जी लेके आए हैं मेरे प्यारे भांजी। मेरे प्यारे भांजी आई है। देखिए मेरे मम्मी पापा भात खा रहे हैं, हम खा लिए। आप नहीं खाओगे? नहीं, हम खा लिए। पिछले वाले वीडियो में हम देखे, कुछ वीडियो पहले हम बनाए थे कि जिसमें हम कमेंट को इंक्लूड करते हमारे वीडियो में, तो कुछ कमेंट आया था कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छा लगता है बात। चलिए आज भी कुछ हम लेके आए हैं कमेंट और उसका जवाब देने का कोशिश करते हैं। तो पहला कमेंट है, इंडिया और नेपाल की करेंसी में कितना फर्क है और आपकी यूट्यूब पेमेंट कितनी आती है प्लीज। तो सबसे पहले हम इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर रहते हैं, तो हमें दोनों करेंसी के जो है मालूम है रेट क्या चल रही है। इंडियन की 1 रुपये नेपाल में 1.60 होती है। हाँ, 1.60। हाँ मतलब 1.6 टाइम ज्यादा है इंडिया की करेंसी नेपाल के तुलना में। अगर 100 रुपया है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1.6 कीजिए, जितना आएगा जितना रुपया भी है इंडिया के उसको मल्टीप्लाई बाय 1.6 कीजिए, उतना बनता है नेपाल। थोड़ा बहुत पॉइंट में आगे पीछे होता रहता है, बाकी एवरेज में यही रहता है।
नेक्स्ट है, आप जब कोर्ट मैरिज किए थे तो आपको सरकार के तरफ से पैसा मिला था, प्लीज रिप्लाई मी। तो जब हम कोर्ट मैरिज किए थे, जब हमने कोर्ट मैरिज किए थे, लव मैरिज किए थे, तो हमको सरकार की तरफ से जितना पैसा मिला है वो कितना है आपको बताते हैं? हमको मिला है 1 लाख। 1 रुपया भी नहीं मिला है क्योंकि उस टाइम पे था ही नहीं ये नियम। नेक्स्ट ईयर लगा, 2017 में कहा था ये नियम। हाँ, नेक्स्ट ईयर लगा था या फिर उससे नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट है, मुझे ये पूछना है कि आपको विकास भैया प्यार करते हैं कि नहीं, सच सच बताइएगा, क्योंकि कभी कभी उनको देखकर लगता है कि विकास भैया आलसी इंसान लगते हैं, बॉडी में उनकी फुर्ती नहीं है, लेजी जैसा करते हैं, प्लीज मेरा जवाब जरूर दीजिएगा। वैसे आप दोनों की जोड़ी मस्त है, थैंक यू सो मच। और रही बात प्यार करते हैं कि नहीं, हाँ प्यार करते हैं, और कभी कभी जो आपको लगता है वो मुझे हमेशा लगता है कि ये लेजी है, आलसी है, क्योंकि ये है वैसा। ठीक है, नेक्स्ट है, आपके गले में जो गोल्ड का चोकर वो कितना है दीदी? कितने का है? कितना नहीं, कितना है दीदी? कितने का है? अगर तो अराउंड 5000 का है, क्योंकि वो एक आना से भी थोड़ा सा कम ही है। नेक्स्ट है, हम आपके यहाँ मिलने जाना चाहता हूँ, क्या आप हमसे मिलेंगे? आप दोनों से बहुत कुछ सीखने को मिलती है, मैं अपना दिल की बात बता रहा हूँ, जब भी मैं किसी भी तरह की परेशानी में रहता आपकी वीडियो को देख लेता हूँ और सुकून मिल जाता है, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको हमारा एड्रेस पता है तो आके मिल सकते हैं। हाँ, एड्रेस नहीं पता है तो फिर इंस्टा पे हमसे बात करिए। नेक्स्ट है, शादी के बाद कितनी खुशी है आपको? शादी से पहले कैसी थी आपकी लाइफ बताइए। आपसे है क्वेश्चन, आपको कैसे पता कि मुझसे है ये क्वेश्चन? पहले आप दो, फिर मैं अपने जवाब दूंगा। क्या, शादी के बाद कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है शादी के बाद। और शादी से पहले कैसी थी लाइफ आपकी? शादी के बाद से तो अच्छी ही थी शादी से पहले वाली जिंदगी, आप बताइए। सेम रिप्लाई। नेक्स्ट, सेकेंड बेबी कब करोगी बीमू? अभी कुछ नहीं कह सकते। सेकेंड बेबी कब करेंगे हम लोग, डेट आपको हम बता देते हैं, हमें खुद पता नहीं है, भगवान जब दे हम ले लेंगे। नहीं नहीं, ऐसी नहीं है, जब हम स्टेबल हो जाएंगे तो फिर हम सेकेंड बेबी के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट है, कैनेडियन डॉलर 34.99, आपको मैं टाइम टू टाइम सपोर्ट करूंगी। और मैं ये जो है कनाडा से जो हमें दीदी है शायद ना, हाँ, जो हमें भेज रही है, हमेशा सुपर चैट भेजते रहते हैं। हाँ, उनका नाम अनीसा है जो कि है पाकिस्तान से, लेकिन हमें बहुत सपोर्ट करती है, कनाडा में रहती है। एंड थैंक यू सो मच, आपको तहे दिल से थैंक यू सो मच, अपना सपोर्ट कर रहे हो हमें, और वो कुछ हमें कह रही है कमेंट के मार्फत से, और आप सभी को भी ये चीज जानना चाहिए। तो चलिए, जो जो बताई है पढ़ के सुना देते हैं सारा कुछ। हाँ, सुना लिया। तो उन्होंने लिखा, आपको मैं टाइम टू टाइम सपोर्ट करूंगी, मैं हमेशा, नाम याद रखना, अनीसा फ्रॉम पाकिस्तान, बट कनाडा से सपोर्ट कर रही हूँ आपको चैनल को, प्लीज इसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं सपोर्ट कर सकूँ फाइनेंशियली, क्योंकि यहाँ 30% कमीशन यूट्यूब को जाता है एंड मैं चाहती हूँ सब आपको जाए, सुहाना के स्टडीज में भी कोई दिक्कत आए तो मैं आपको सपोर्ट करूंगी। तो थैंक यू सो मच, हमारे लिए इतना सोचते हैं, और ये सही है कि जो भी सुपर थैंक्स, सुपर चैट हमको मिलता है, स्टिकर वगैरह, सबका 30% यूट्यूब खुद रखता है और 70% हमको देते हैं। यानी कि अगर 100 रुपया आप भेजते हैं सुपर थैंक्स या सुपर चैट में, तो 30 रुपीज यूट्यूब रखते हैं, 70 रुपीज हमें देते हैं। तो आप लोग बोले कोई और प्लेटफॉर्म है, तो हाँ, एक यूपीआई आईडी होती है, सभी की होती है ना, तो हमारी भी एक यूपीआई आईडी है। काफी सारे यूट्यूबर्स ऐसे लगा के भी रखते हैं, क्योंकि कोई सुपर थैंक्स देना चाहते हैं तो उनका 30% यूट्यूब वाले को चले जाते हैं, तो वो अगर चाहते हैं उनका सब्सक्राइबर्स भी जो होते हैं, जो डोनेशन करते हैं, बहुत लोग डोनेशन के लिए करते हैं, वीडियो में भी क्यूआर कोड भी लगाते हैं। हाँ, जो फैमिली, जो यूट्यूब फैमिली होते हैं, तो वो अगर चाहे उनको डोनेट करना या सुपर थैंक्स देना, तो सुपर थैंक्स के जगह वहाँ पे ही मतलब पे करते हैं। तो आप सब हमारी यूट्यूब फैमिली है, और आप सबको पता भी है कि हमें है सपोर्ट की जरूरत। अगर आप लोग चाहे दिल से सपोर्ट करना, यूट्यूब पे जो सुपर थैंक्स भेजते हैं आप लोग, वहाँ 30% रख लेते हैं यूट्यूब, तो आप भी अगर चाहे कि पूरा का पूरा जो भी सपोर्ट आप करते हैं हम सबको मिले, तो यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पे भी मैं लगा दूंगा, इस पे आप जब चाहे तब छोटी मोटी सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ जी। और आज हम वो कमेंट्स सब ले पाए जो कि बहुत ज्यादा नंबर में पूछे गए थे, और कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो कि कुछ हमारे यूट्यूबर दोस्त के रिलेटेड थे, तो हम उनको नहीं लिए हैं ना उस वीडियो में, क्योंकि कंट्रोवर्सी हो या दोस्ती पे कोई ये आए, तो मैं इसलिए उस कमेंट को इग्नोर कर दिया हूँ उनको। बाकी उनके कमेंट में मैंने रिप्लाई कर दिया है, वीडियो में नहीं बता रहा हूँ।
है ना जी। तो चलिए आई होप आप लोग अच्छा लगा आज का वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग किस टॉपिक आप देखना चाहेंगे, हमारे लव स्टोरी चाहते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में या किसी ब्लॉग में आप लोग का कमेंट हम ले, तो उस तरह के कमेंट्स आप लोग करिए, हम जरूर लेंगे। हाँ, आप लोग ये ना कहे कि कमेंट में कि मेरा कमेंट तो पिक ही नहीं किए, आई एम सॉरी अगर किसी को छूट गए होंगे तो, क्योंकि हम जब पोल डालते हैं इंस्टाग्राम पर भी हम डालते हैं, आप लोग समय एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हाथ जोड़ करके कि हमारे वीडियोज आप लोग कम से कम 10,000 लोग देखते हैं, तो 10,000 लोगों से विनती है कि प्लीज हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हमें सपोर्ट होगी सच में वहाँ पे, क्योंकि है अंदर की बात है कुछ कि फॉलोअर कम होने के वजह से थोड़ी सी इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनली मैं जो फील किया हूँ है थोड़ा सा पार्शलिटी पे मतलब झेलना पड़ रहा है। तो अगर आप लोग जाएंगे और सिर्फ फॉलो कर लेंगे ना हमें वहाँ पे इंस्टाग्राम पे, तो बहुत मेहरबानी होगी आप सबकी। इंस्टाग्राम का लिंक हमेशा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। नहीं तो ये नाम है bimla.vikas कुछ नंबर है, ये देख लीजिएगा, आप लोग सर्च कीजिएगा, ठीक इसी तरह सर्च कीजिएगा आ जाएगा हमारा इंस्टाग्राम आईडी, प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। उम्मीद है आप लोग आज तो 1,000 लोग तो कम से कम करेंगे, 10,000 कर दीजिए एक दिन में, हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना प्लीज ख्याल रखिएगा, बाकी हम आपके साथ तो है ही, हमारे दुआ आपके साथ है ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय।